हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो एक बार बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो गाइस कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो ये दिन है वेनसडे का और गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब बारिश हो रही थी, बट थैंकफुली कि वेनसडे को मतलब बारिश नहीं हुई थी। तो ट्यूसडे को ही रात को मैंने धो के कपड़े ये रख लिए थे, बस ये था कि अब इन्हें मुझे सुखाना है क्योंकि सुखाने की ही ज़्यादा दिक्कत हो रही। तो मैंने देखा कि बारिश तो नहीं है, तो फिर मैं गई सुखाने ऊपर छत पे कपड़े। और एक बारी के मैं पहले धो चुकी थी, मतलब कपड़े इतने सारे हो रहे हैं इसके ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। और कपड़े जो हैं मैंने ट्यूसडे को एक ये धो के रख दिए थे, फिर एक सुबह मैं एक बारी के धो चुकी थी, 8 बजे ही लगा दी थी मशीन मैंने। तो बस अभी मैं कपड़े सुखा लूँगी यहाँ पे फटाफट से। बस ये था कि बारिश ना आ जाए क्योंकि मौसम तो हो ही रहा था थोड़ा थोड़ा बारिश का, बट ये था कि जितनी मतलब थोड़ा बहुत तो सूखें कपड़े, तो वरना तो कपड़े ऐसे रख दो तो मतलब उनमें स्मेल हो जाती है। तो बस मैं वही कर रही थी यहाँ पे फटाफट से, अपने जो कपड़े थे वो मैं सुखा रही थी। और ये देखिए यहाँ पे मैंने कपड़े सुखा दिए हैं, अब बस होपफुली कि बारिश ना आए। और जो कपड़े सूख गए थे वो मैंने थोड़े बहुत उतार लिए थे। तो गाइस कुछ कपड़े मुझे इस तरीके से भी सुखाने में पड़ रहे हैं, वैसे तो ये सूख गए हैं बट थोड़े बहुत जो गीले हैं, क्योंकि अगर मैं इन्हें ऐसे ही रख दूँगी तो फिर इनमें स्मेल हो जाएगी। तो अब क्या करें, बाहर का मौसम ही कुछ ऐसा हो रहा है और अभी भी बादल ऐसे हो रहे हैं कि जैसे बारिश आने ही वाली है। तो जो सूखे सुखाए क्यों गीले करने हैं ना, तो इसलिए मैंने जो ऐसे ही ऑलमोस्ट सूख चुके हैं बट थोड़े थोड़े कहीं कहीं से गीले हैं, तो वो मैंने फ़ैन में मतलब अंदर रूम में डाल दिए, क्योंकि अगर एकदम से अंदर मैं रूम में वर्क काम कर रही हूँ और एकदम से बारिश आ गई तो सूखे सुखाए कपड़े गीले हो जाएंगे। इसलिए मैंने ये जो है यहाँ पे डाल दिए हैं फ़िलहाल, थोड़ी बहुत जो है वो हवा निकल जाएगी। तो अब चलते हैं अंदर। आज जो है मुझे थोड़ा काम है, जो मुझे अपनी अलमीरा जो है वो सेट करनी है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तहस नहस हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी है अलमीरा की दोनों ही। और ये मुझे भी सेट करनी है, और ये जो प्रेस के लिए दिए थे कपड़े वो भी मुझे लगाने हैं यहाँ पे, इनके जो है सेट करने हैं ऑफिस के कपड़े। तो चलो करते हैं काम। और ये बखेड़ा मैंने फैला दिया है, तो ये मुझे सेट करना है अलमारी में। और जो कपड़े सही हैं वो मैं रख दूँगी, और जो मतलब पुराने हो गए हैं जो नहीं इनको नहीं पहनने वो मैं अलग निकाल दूँगी। तो चलो लग जाते हैं, उसके बाद मुझे अपनी अलमारी की भी हालत ठीक करनी है क्योंकि बहुत ही बुरी हो रखी है। तो करते हैं काम, मन नहीं कर रहा यार, आलस आ रहा है पर करना तो पड़ेगा क्योंकि बहुत बुरी हालत हो रही है। तो चलो काम पर लग जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे लग गई हूँ मैं अपने काम पे, और ये देखिए यहाँ पे मैंने जो है इनके जीन्स एक तरफ रख रही हूँ और फॉर्मल जो इनके ड्रेस है मतलब फॉर्मल कपड़े जो है इनके ऑफिस वाले वो एक साइड, क्योंकि इनको ऑफिस में मतलब मिलते नहीं है कपड़े जल्दी से और प्रेस भी नहीं हो रखे थे, तो वो मैंने प्रेस वगैरह करवा के जो ऑफिस के जो इनके थे शर्ट्स और पैंट वगैरह प्रेस करा के वो रख दिए थे। और ये देखिए, और इस वाले ड्रॉअर में मैं इनके हैंकीज़ और सॉक्स वगैरह और ये सब रखती हूँ, और ये कुछ इनके जिम की स्टफ़ था तो बस वही उस रखा हुआ था मैंने ड्रॉअर में। और एक ड्रॉअर में इनकी जो सैंडो वगैरह वो सब रखती हूँ। अब आ गई है मेरी अलमीरा की बारी, और ये तो कुछ ज़्यादा ही बुरी कंडीशन में हो रखी थी। और ये जो दो बैग्स है गाइस ये मैंने मीशो से मंगवाए थे, इसमें मैं मतलब अपनी साड़ी और पार्टी वेयर सूट्स वगैरह ये सब मतलब सही से करके रख देती हूँ। और ये देखो यहाँ पर मेरे को पूरी सॉरी सही से करके रखनी पड़ेगी सारी अलमीरा, और सारी अलमारी में ना धूल धूल सी हो रही थी, तो वो मैंने सही साफ़ कपड़े से मतलब साफ़ कर दिया था। और ये नूरवी के जो प्रीवियस स्कूल की ड्रेस है वो मैं एक तरफ करके इनको मतलब पॉलीथीन में पैक करके और मैं रख दूँगी बेड में। और यहाँ पे नूरवी के कुछ कपड़े हैं वो मैं सही से करके लगा दूँगी, इसकी टी शर्ट्स और लेगिंग्स वगैरह जो भी थी वो मैंने लगा दिए सही करके। और बस मेरी अलमीरा भी कुछ इस तरीके से सेट हो चुकी है, अपने कपड़े वगैरह भी मैंने रख लिए थे अच्छे से सेट करके। और यहाँ पे जो है यहाँ मैंने नूरवी की ड्रेस जो है वो रख दी है
बेड में और एक इनकी जैकेट निकली हुई थी बाहर, वो भी रख दी है मैंने। और फिर मुझे ऊपर भाभी का कॉल आ गया था कि छत पे आपके कपड़े गीले हो रहे हैं तो वो उठा लो। तो मैंने आपको बोला था ना कि अगर मैं अंदर काम कर रही हूँ और एकदम से बारिश आ जाए, तो वही सीन हुआ था। तो थैंकफुली भाभी ने कॉल करके मुझे बता दिया था। और यहाँ पर हो गई है दोपहर के लंच की तैयारी। तो हमने बनाए थे येलो वाले चावल गुड और इवनिंग। प्याज तो कुछ इस शाम के तरीके छः से। बज रहे हैं और कल वाला ब्लॉग मैं आज कंटिन्यू कर रही हूँ। कल मैंने कुछ भी शूट नहीं करा उसके बाद, क्योंकि यार बिल्कुल भी मेरा ना मन नहीं लग रहा नूरवी के बिना, सच बताऊँ तो। और मेरा कुछ भी मन नहीं कर रहा, कुछ भी शूट वूट करने का मन नहीं कर रहा, वीडियो बनाने का। पर खैर बनाना तो पड़ेगा, और शायद इसी में मैं बिजी रहूँ तो इसलिए मेरे को नूरवी की याद थोड़ी सी कम आए। तो मतलब बार बार उसको वीडियो कॉल कर रही हूँ, कॉल्स कर रही हूँ, तो मतलब मेरा मन वहीं पे ही अटका हुआ है। ये सोच रही हूँ कि मतलब क्या कर रही होगी, ट्यूशन चली गई या नहीं, स्कूल से आ गई, ये वो, मतलब यही सब चल रहा है। तो इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा कल बनाया नहीं उसके बाद, तो आज मैं कंटिन्यू कर रही हूँ शाम से ही। तो शाम से तो अब मैं शाम चाय वाय पियेंगे हम लोग सारे, और देखते हैं कि क्या बनाना है। बनाना क्या है यार, मतलब इतने दिन हो गए टमाटर नहीं खाए मतलब कि टमाटर ने और बारिश ने तो हद मचा रखी है। एक तो बारिश है जो रुकने का नाम नहीं ले रही है, और टमाटर जो है वो नीचे, उनका मतलब प्राइस नीचे ही नहीं आ रहा, इतने महंगे हो ही जा रहे हैं। तो मतलब बहुत दिन हो गए, हम तो मतलब सब्जी में नींबू डाल डाल के खा रहे हैं, मतलब थोड़ा सा यू नो टेस्ट के लिए। बट टमाटर तो टमाटर है गाइस, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आ रहा। और सब्जी भी इतनी महंगी हो गई है, रोज़ ये डिस्कशन होता है कि क्या क्या बनाए आज, क्या बनाए आज, क्या बनाए। और फिर आज दोबारा से डिस्कस करेंगे चाय पीने के बाद कि क्या बनाए, तो मैं ज़रूर बताऊंगी जो भी हम बनाएंगे। और आज शायद सब्जी लेने भी जाएं, देखते हैं, क्योंकि सब्जी भी ख़त्म हो गई है। तो देखते हैं, सब्जी लेने जाएंगे मैं और मेरे हस्बैंड। कोशिश करूंगी उन्हें ले जाने की, क्योंकि ऑफिस से आने के बाद उनका बिल्कुल भी मूड नहीं करता कहीं जाने का। तो कोशिश करूंगी कि जाएं हम लोग साथ में। अगर जाऊंगी तो वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और सब्जी के रेट पता करूंगी क्या हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा मुझे टमाटर के रेट सुनने की बड़ी एक्साइटमेंट है कि अब कितना मतलब भाव बढ़ गए हैं टमाटर के। तो चलो चलते हैं नीचे, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, चाय पीने का टाइम हो रहा है, मम्मी वेट कर रही होंगी। तो जी आ गई हूँ मैं नीचे चाय बनाने के लिए, और चाय मैंने चढ़ा दी है। और सबसे पहले निकालेंगे मम्मी के लिए ब्लैक चाय, क्योंकि मतलब वो काली चाय पीती है, जैसे आप सबको पता ही होगा, चल गया होगा अब तो। और यहाँ पे जो है हम लोग ना दूध में से ऐसे मलाई इकट्ठा करके रख लेते हैं, क्योंकि मतलब मम्मी इसमें से घी निकालती हैं, तो जो कि बहुत ही सही है और काफ़ी सही निकल जाती है मलाई जो है, आप देख सकते हो। क्योंकि ये भैंस का दूध आता है हमारे घर पे, तो मतलब उससे मतलब सही मलाई निकल जाती है। और मम्मी घर पे ही मतलब दूध भी सॉरी मतलब दूध से घी भी बना लेती हैं, और मतलब दही भी अपना हम घर पे ही मम्मी जो है बना लेती हैं, तो सही है, अच्छा ठीक लगता है, मतलब अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे निकाल दिया मम्मी के लिए ब्लैक चाय, उसके बाद हमने डाल दिया इसमें दूध और एक्स्ट्रा थोड़ी सी पत्ती, और हमने पी ली थी चाय। और उसके बाद शाम को 7:30 बजे मम्मी जी करने लगे हैं पूजा, और खाना बनाने की तैयारी भी हो ही चुकी थी। तो यहाँ पे मम्मी जी कर रही हैं पूजा, और आटा मैंने गूंद के रख लिया था। और यहाँ पर जो है बना रहे थे हम लोग, दीदी ने बनाया था गट्टे की सब्जी बनाई थी हमने। हाँ, जो इतना चाय पे चर्चा करने के बाद हमने फाइनली डिसाइड किया कि गट्टे की सब्जी बना लेते हैं और उसके बाद जो है फाइनली हस्बैंड जी का खुद ही मूड करा कि चलो सब्जी लेने चलते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि बड़ी मुश्किल से ही जाते हैं अगर इनका मूड होता, तो इनका मूड था, तो लेने हम चल निकल गए सब्जी। खाना वाना खा लिया था इन्होंने, तो उसके बाद हम आ गए थे सब्जी लेने। और सब्जी के रेट गाइस बहुत ही ज़्यादा हाई हो रहे हैं। अब सबसे पहले हमने लिए आलू और प्याज, क्योंकि वो बाहरी से हो जाते हैं और हमें अंदर की तरफ जाना था, तो पहले इन्होंने आलू और प्याज लेके रख दिए थे गाड़ी में। उसके बाद हमने यहाँ पे रेट पता कर रहे थे, और भिंडी थी गाइस 60 रुपये किलो, और मतलब इतने ज़्यादा, मतलब मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा था सुन सुन के कि मतलब क्या, मतलब
कैसे क्या हो गया, सब्जियों के रेट इतने ज़्यादा हाई होती जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो हमने डिसाइड किया कि अंदर की तरफ, मतलब जो बाज़ार लगता है उसके अंदर भी सब्ज़ी मंडी लगती है एक, तो हम वहाँ से लेने गए थे सब्जियाँ। आलू और प्याज तो हमने बाहर से ही ले लिए थे, और मैं इनको फोर्स कर रही थी कि टमाटर के रेट पूछो, टमाटर के रेट पूछो, तो यहाँ पे इन्होंने पूछे। और यहाँ पे तो मिल रहे थे 160 रुपये किलो टमाटर। तो उसके बाद हम गए अंदर, हमें लगा अंदर तो थोड़ा सा कम हो गए टमाटर के प्राइस, बट गाइस हम गलत थे, टमाटर के प्राइस अंदर और भी ज़्यादा थे। तो हम आ गए थे, सॉरी गाइस, गला पता नहीं क्या ख़राब सा हो रहा है, और घर में ना काम भी चल रहा है, तो आपको पीछे से खट 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 की और ये सब आवाज़ आ रही होगी, तो थोड़ा काम चल रहा है घर में किचन का। तो और उसके बाद हम लेने लग गए थे यहाँ पे लहसुन, हरी, मतलब सारी सब्जी। 20 का आधा किलो, 20 का आधा किलो नींबू, 1 किलो करूँ, 1 किलो कर देना। 3 किलो क्या भाव दिए? 200। अरे वाह गाइस, हम अमीर हो गए, हम टमाटर खरीद रहे हैं फाइनली, जो कि है 180 रुपये किलो और 200 रुपये किलो, ये जो आपका दिल करे वो। और गाइस यहाँ पे ना हम जा रहे थे, तो ये दो बच्चे ना यहाँ पे सॉफ्ट टॉयज़ के शॉप के बाहर खड़े थे, तो मतलब यहाँ पे इन्होंने देखा, मतलब मेरे हस्बैंड ने इनको देखा, तो कहने लगे कि मैं दिलवा देता हूँ इनको टॉयज़। तो बस ये वहीं पे देखने लग गए थे, बट शॉप वाले भैया ने बताया कि मैं इनको हर बार जो है टॉयज़ देता हूँ, तो ये इसीलिए खड़े थे। तो अच्छा, इन्होंने इन्होंने फिर इनको, मतलब इन्होंने मना कर दिया था टॉयज़ लेने के लिए, तो फिर इन्होंने इनको, इन बच्चों को जो है पैसे दे दिए थे। तो ये देखिए यहाँ पे पैसे दे रहे हैं दोनों को, और इनको जहाँ पे भी ऐसे बच्चे दिखते हैं ना गाइस, चाहे कहीं पे भी हो, तो उनको कुछ खिलाने लग जाएंगे या कुछ अपनी तरफ से, जो इनको मतलब इनका मन होता है करने का, जो अपनी तरफ से ये कर सकते हैं बेस्ट, तो वो ज़रूर करते हैं। तो ये बात इनकी बहुत अच्छी लगती है मेरे को। तो और गाइस मार्केट में आगे हमें ये शॉप दिखी जहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी, मतलब आप बाउल्स ले सकते हो, आप ग्लासेस ले सकते हो, सिपर ले सकते हो, प्लेटर्स और जो होते हैं ये ले सकते हो, ट्रे ले सकते हो, लंच बॉक्सेस ले सकते हो। तो बहुत ही अच्छी शॉप थी ये। और यहाँ पे जो है हस्बैंड जी डिहाइड्रेट हो गए थे, तो ये लेमनेड पीने लगे, और मुझे भी भूख लग रही थी क्योंकि मैं जो है डिनर करके नहीं आई थी। और उसके बाद मैंने अपने लिए मंगाया यहाँ पे पनीर तंदूरी मोमोज, जो कि बहुत ही टेस्टी थे। ये भैया थोड़ा सा टाइम लगाते हैं देने में, बट अच्छे होते हैं, बोलते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो ये अच्छे थे मतलब। उसके बाद हम आ गए थे सब्ज़ी लेके, और बहुत ही महंगी हो रही है गाइस सब्ज़ी, तो फाइनली हमने सब्ज़ी खरीद ली थी। और उसके बाद हम जा रहे थे घर। और गाइस एक चीज़ और हुई, हमारा जो ये थैला है ये टूट गया, बिकॉज़ इसमें इतनी महंगी एक चीज़ जो थी, इस वजह से ये भी इसका वेट नहीं उठा पाई। और तो सब्ज़ी लेके हम आ गए हैं, खाना भी सबने खा लिया था, और मैं और मेरे हस्बैंड तो चले गए थे सब्ज़ी लेने, बाकी सब ने जो है नीचे डिनर कर लिया था। और बहुत महंगी सब्ज़ियाँ हो रही है, और टमाटर फाइनली हम ले आए, क्योंकि इसके बिना टेस्ट भी नहीं आ रहा था, बट आपने जो वीडियो में देख ही लिया कि कितने महंगे हो रहे हैं टमाटर। और गाइज ये तो गाइज ये तो बात थी टमाटर की, बट जो बारिश का इशू है वो बहुत ही सीरियस इशू है। हम लोग तो इतना कुछ फेस नहीं कर रहे हैं जो हिमाचल में और उत्तराखंड में जो लोग फेस कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो ये एक मतलब वो हो गया कि हाँ हम तो फिर भी घर में सेफ हैं अपने, लेकिन जो बहुत से लोग हैं मनाली में, स्पेशली आज हमने एक वीडियो देखी जिसमें मनाली में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, कुल्लू मनाली में जो हाईवे है वो सब टूट टूट गए, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है वहाँ पे। तो बस शिव जी से यही प्रे करेंगे कि सब जल्दी से ठीक हो जाए, और अब बारिश ना हो, अब सब कुछ जो भी चीज़ें हैं वो कंट्रोल में आ जाए, और अपना सब बस ठीक ठाक से रहे। तो बस आज की वीडियो को मैं यहीं स्टॉप करती हूँ। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।